बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां नहीं रहा कान्हा का T30 बाघ। T30 बाघ की मौत हो गई है। घायल हालत में बाघ का शव मिला है। कोहका गांव के तालाब में घायल हालत में शव मिला। बता दें कि वन विभाग ने रेस्क्यू कर बाघ के शव को बरामद कर लिया है और लगातार मामले की जांच की जा रही है कि किन हालातों में बाघ की मौत हुई। तो कान्हा का T30 बाघ नहीं रहा है, T30 बाघ की मौत हो गई है। हालांकि वन विभाग जो है लगातार मामले की जांच भी कर रहा है और साथ ही बाघ के शव को बरामद भी कर लिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, ये कान्हा का T30 बाघ है जिसकी मौत हो गई है और घायल अवस्था में ये मिला था, लेकिन अब T30 बाघ की मौत हो गई। ये कान्हा नेशनल पार्क की हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये दो तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर है, जहां घायल हालात में बाघ मिला लेकिन बाघ की अब मौत हो गई है। लेकिन मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। इस पूरे मामले में लगातार जांच की जाएगी। कल घायल हालात में बाघ मिला था, लेकिन बाघ की दर्दनाक मौत अब हो चुकी है। वन विभाग ने रेस्क्यू कर बाघ के शव को बरामद कर लिया है। ये देखिए दो तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है, ये कल की तस्वीर है, जब कल बाघ जो है वो घायल हुआ था। लेकिन दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है कि बाघ T30 की मौत हो गई है। हालांकि वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है।